स्वदेशी कंपनी बजाज के द्वारा प्रथम सीएनजी बाइक की लॉन्चिंग की गई है। निश्चित ही कातेगांव क्षेत्र में इस प्रकार के वाहन उपलब्ध होने से आमजन को आर्थिक लाभ होगा, क्षेत्र प्रदूषण से मुक्त रहेगा। भारत में अब आमजन को डीजल पेट्रोल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गैस से चलने वाली, बिजली से चलने वाली बाइक स्कूटी कंपनियों के द्वारा लॉन्च की जा रही है। उक्त विचार विधायक आशीष शर्मा ने भारत की स्वदेशी कंपनी बजाज के द्वारा निर्मित पहली सीएनजी बाइक का खातेगांव में विक्की मोटर पर लॉन्चिंग के अवसर पर व्यक्त किए। नवरात्रि के शुभ अवसर पर नेमावर रूट पर यह आयोजन हुआ। शोरूम के मैनेजर पवन राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि खातेगांव में विक्की मोटर पर संचालक विक्की गर्ग के मार्गदर्शन में सीएनजी बाइक की ओपनिंग का विधिवत आयोजन विधायक आशीष शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ खातेगांव कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप साहू, वरिष्ठ समाजसेवी विजय गर्ग, सुनील चौपड़ा, प्रवीण गंगराड़े सहित कंपनी और शोरूम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज नवरात्र के अवसर पर विक्की मोटर्स, हमारे भाई विक्की गर्ग जी का बहुत पुराना प्रतिष्ठान है और क्षेत्र में टू व्हीलर क्रांति लाने का श्रेय भी इनको जाता है, बजाज कंपनी के द्वारा आज भारत की सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च की गई और मुझे उसकी लॉन्चिंग का अवसर यहाँ पर इस शोरूम पर मिला। आने वाले समय में पेट्रोल एवं डीजल पर निर्भरता लोगों की कम हो, इलेक्ट्रिक वाहन, गैस चलित वाहन, जिनसे प्रदूषण भी कम होता है और उपभोक्ता को पर किलोमीटर पैसा भी कम खर्च करना पड़ता है, ऐसे वाहनों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और स्वदेशी कंपनी ने इस बाइक को यहाँ पर बनाया है, लॉन्च किया है। निश्चित ही 1 लीटर सीएनजी में ये बाइक 100 किलोमीटर तक जा सकती है। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।